में सबसे सस्ता कार बनेबाक विचार भारते में सगर्व छिटकल छल। जहिना चिकित्सा क्षेत्र में दुनिया भर में चल रहा अनुसंधान से ई संभावना बढ़ गेल है कि नवजात शिशुक अम्बिलाइकल कार्ड अर्थात जन्मकालीन नारक मदद से अनेक दुर्दांत रोगक उपचार कैल जा सके। तहिना समाजक बीच पसरल आचार संबंधी अनेक सांघातिक रोगक उपचार हेतु आई साहित्यक महत्व वे स्टीम सेल थेरेपी से कनियो कम नहीं। स्त्री पुरुषक संबंधक उच्छृंखल संवेदना, स्त्री पुरुषक संवेद संबंधक उच्छृंखल संवेदना के चूह चूही संप्रति ततेक न उग्र भ गेल है कि क्रेज आ सेक्सी शब्द से हो टकरा लेल छुछुम लागे लागल है ओकरा पाछा गोल्डन क्रेज हॉट सेक्स सन विशेषण जोड़ल जा रहा है तकर नांगे लगाओल जा रहा है। साहित्यकार लोकनिक समस्त रचनात्मक प्रयत्न घड़ी घंट जाहि मनुष्य के केंद्रित कह के बजैत है तकर परिवेश वो चेतना निरंतर परिवर्तनशील है वही में निरंतर चेतना के विकास भ रहा है। विज्ञान एक दिस यदि टेस्ट ट्यूब आ क्रोमक सहायता से मानवोत्पत्तिक दैवीय अधिकार के चुनौती दे रहा है दोसर दिस अपन रोबोटक आगू मानवीय क्षमता के छुछुम आ निरर्थक सिद्ध करबाक लगुताहुल है। प्रश्न है मनुखक क्रोम तो तैयार कैल जा सकत है परंतु साहित्यक क्रोम असंभव है। तहिना साहित्यक किछु आलम्बन भने टेस्ट ट्यूब में जन्म जाए साहित्य धरि कोनो ट्यूब में अंकुरित नहीं भ सके। अतः विज्ञान अथवा कोनो वैज्ञानिक आविष्कार से साहित्यक बाट कहियो बाधित नहीं भ सके वरन वो सबटा उपलब्धि कोनो साहित्यकारक हेतु अनुभवक एकटा मौसमी रिजॉर्ट जकाँ अछि एहिसँ अतिरिक्त आर किछु नहि। ई सत्य थिक जे संचार संवादक सुविधा से लोकक विचारक संगहि आचारक परिधि सेहो अखंड मंडलाकार भ के आ एक एक व्यस्ति के वैश्विक समष्टि से जोड़ी रहल अछि। तहना स्थिति में वर्तमान रचनाकारक रचनात्मक दायित्व पर चर्चा करब सेहो पूर्वापेक्षा अधिक महत्वपूर्ण आ कठिना भ गेल अछि। साहित्य समयक एकटा सिंहासन होइत अछि, साहित्य समयक एकटा एहन सिंहासन होइत अछि जे समय समय पर लोकहित आ लोक रुचिक रूपरंगे से बनैत रहैत अछि बदलैत रहैत अछि आ एखनो तही आधार पर बदलि रहल है। समय कतेक बदलल अछि आर कतेक बदलत से स्वयं समय छोड़ी आर के कह सकैत अछि। सैनी जी समय कतेक बदलल अछि आ कतेक आर बदलत से स्वयं समय छोड़ी आर के कह सकैए। बीसम शताब्दी धरि ककरो शोर पाड़े ला हमरा अहाँके हल्ला करे पड़े छल, इक्कीसम शताब्दी में से काज मात्र हेलो से भ जाते। पहने आतंक जंगले टाक निवासी छल, आयु बीच सड़क पर आबि के लोकक भीड़ में विस्फोटक धमक से अपन पराक्रम देखा रहल अछि। साहित्य समाजक वास्तविक आ वास्तविकता से मिले जुले छविक प्रतिबिंब के लोकक नजरी सोझा में ठाड़ करो वाला एकमात्र बौद्धिक संसाधन थी। समाजक वर्तमान रूप आ छवि पूर्वक स्वरूप से सर्वथा भिन्न भ गेल अछि। आई समाजक प्रत्येक व्यक्ति के अपना जीवनक प्रति नवीन दृष्टिकोण भेट रहल अछि आ जना जना मानवीय आकांक्षाक ग्राफ ऊपर उठैत गेल अछि तेना तेना ओकर संबंधक व्यक्तिगत सीमा सेहो संकुचित होइत गेल अछि। चेतक तब जे ककर प्रशंसा करी ककर नहीं करी। अतः समाज आ सामाजिक परिवेशक संगति विसंगति परिभाषा सेहो आई बदली गेल अछि। समाचार पत्र ट्रांजिस्टर दूरदर्शन मोबाइल ईमेल वेबसाइट ब्लॉग विभिन्न चैनल आदि सहायता से आजुक व्यक्ति एकांत में रहता संपूर्ण दुनिया उथल पुथल से परिचित रहते अछि। भोर से ले सांझ धरि सुप्रभात से ले शुभ रात्रि धरि नापल जोखर समयों में व्यक्ति अपन ज्ञान आ मनोरंजनक वृद्धि हेतु उपलब्ध अनंत उपक्रमक स्वाद चखैत रहते अछि आ ताहि आधार पर मनुखक विचार तक ग्लोबल भैये चुकल अछि जे मनुष्य स्वयं सेहो मोबाइलक सहायता से क्रमशः
ग्लोबल भेल जा रहा है। एक दिस उपभोक्ता संस्कृति लोकक सनातन रुचि के ग्लोबल चाहतक खराज पर चढ़ा के वही पर और शान चढ़ा रहा है। दोसर दिस व्यक्तिगत स्वतंत्रता और में कोनो श्रेणी के मर्यादा सीमा के मानवाधिकार पर अनावश्यक हस्तक्षेप बुझल जा रहा है। बात भिन्न जखन समाज सूतल रहे तखनो साहित्य जागल रहे, परंतु साहित्य बीज रूप में जागल रहे भावित वह भावित्री गंगोत्री कहब जखन कार्यत्री जल सँ सिंचित भ जात वही से फिर जीवन फूट पड़े कालक्रमे कार्यत्री सहयोग सँ भावित्री जे बीज अंकुरित भ साहित्यक अक्षयवट बनैत सह समाज सर्वश्रेष्ठ दिशा सूचक चुंबकीय प्रकार साहित्य विधपक एक एक अंग के एक एक विधा के समाज सहज रूप में स्वीकार करैत पचबैत मने आवश्यकता अनुसार अपन स्वरूप के सेहो स्थिर बनबैत साहित्य समाजक बौद्धिक शरीर के प्रतिरोधक कोशिका प्रदान करैत मात्र मनोरंजक मात्र मनोरंजनक कैलोरी टा नहीं बढ़बैत वरन समाज के सकारात्मक रूप से प्रभावित करबाक असीमित क्षमता सेहो साहित्य में विद्यमान रहैत है। कोनो देशक सामाजिक बौद्धिक जीवन के जतेक अन्य वस्तु क्रिया कला प्रभावित करैत है सभक उद्देश्य अधिक से अधिक लोक के अधिक से अधिक लाभ पहुँचा सहता रहैत है। किंतु साहित्य के एतबे से संतोष नहीं है, ओकर आदर्श सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् से होइत अछि। बदलैत सभ्यक प्रभाव सँ जहिना मनुख प्रभावित अछि तहिना साहित्यो पहिने जस अर्थ शिवत्व मधुर उपदेश आदि जे साहित्यक प्रयोजन बुझल जाय छल से सबटा आब निष्प्रयोजन में बदल गेल अछि। यश राजनीति और सिनेमा के विषय भ गेल यश राजनीति और सिनेमा के विषय बन गेल अछि। अर्थ क्रिकेटक पीच पर अथवा करिया बाजारक तिजोरी में सिमट गेल अछि। शिवत्व मात्र परोपदेशक सूत्र बन के रहि गेल समाज सुधारक सबटा उपक्रम व्यावसायिक बना देल गेल अछि। एहना स्थिति में समकालीन रचनाकारक हेतु रचनाक प्रयोजनक अनुसंधान सेहो सहज सरल नहीं रहि गेल अछि। रचनाकारक स्वकीय बौद्धिक क्षमता रचना के स्तर समाजक मानसिक उपभुक्षा के शांत करवा योग्य विषयक चयन एवं रोचक उपस्थापनिक सहायता से आई समाजक मानसिकता के जबरदस्ती अपना दिस घिचे विभिन्न संसाधन चुनौती के स्वीकार के तकर उत्तर सेहो देबाक अछि। यद्यपि सब संसाधन प्रतिस्पर्धा प्रकारांतर साहित्य से अछि, परंतु स्वरूप स्वीकारता आ प्रभाव में कतबो विस्तार भ जाओ वो साहित्यक स्थान नहीं लो सकैत अछि। कोनो संचार संसाधन में कहियो एतेक सामर्थ्य नहीं आबि सकैत अछि जे वो साहित्य के अपना पेट में अटा सके। एकर ठीक विपरीत यदि रचनाकार सचेत भ जाए आ सचेत भ के रचना करती तो हुना कृति अपना कलेवर में वही समस्त संसाधनक चमत्कार के समाहित कर सके। एहना स्थित में पूर्वक सत्यम शिवम सुंदरम वाला साहित्य गरिमा के आयु यदि परिभाषित करबाक प्रयोजन हो तो उकड़ो हेतु नेति नेति सहटा कह पड़त। अदौ सँ अपन जन्मभूमि ओहि भूमिक जन ओहि जनक सभ्यता संस्कृति कुशल छै तकर प्रत्यक्ष